हम बात कर रहे हैं न्यूकट MP4 टैबलेट के बारे में, ये जो कि सीवियर एलर्जिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, क्या डोज हो सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं जब इसका स्टार्ट करेंगे डोजिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो न्यूकट MP4 टैबलेट के अंदर जो ऐड किया गया है मॉलिक्यूल मिथाइल प्रिडिसिलॉन है एक, जो कि स्टेरॉयड मॉलिक्यूल है। तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वह जो कि सीवियर एलर्जी के खिलाफ, तो सीवियर एलर्जी के खिलाफ इसका मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, जिसमें आपको जैसे कि रमेनेटिक डिसऑर्डर या अस्थमा की कंडीशन है जिसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि जॉइंट पेन वगैरह में बहुत आपको इन्फ्लामेशन होने की वजह से दर्द होती है, जैसे कि आई डिसऑर्डर में जैसे कि आपको इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, जैसे रेडनेस आई हो जाती है, आंखों के लालपन हो जाता है, या आंखों के इधर आपको खुजली वगैरह होती है कॉर्नर पे, तभी से दिया जाता है, या जैसे कि आपको सिस्टमिक लूपस एरिटेमस हुआ तभी से दिया जाता है, जॉइंट में जैसे कि आपका जो कार्टिलेज रहता है तो वह अगर जैसे कि डैमेज हो रहा है तभी भी इसे दिया जाता है ताकि वह बना रहे। तो इसे आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसका जो डोज है आप स्टार्ट करते हैं तो आपको तुरंत इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, लगभग थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि कभी कभी वीक सेवरल वीक भी जाता है, जैसे 2-3 वीक यानी 1 महीना के बाद भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से आप इसे जरूर डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें और जो कि इसे परचेस करें। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से करते हैं तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को आए, जैसे कि आपको स्किन में पतलापन देखने को मिल सकता है, और ये जो कि आपके जैसे कि बोन डेंसिटी को कम कर सकता है, वेट गेन कर सकता है, मूड चेंज कर सकता है, पेट का जैसे कि पेट में अपसेट कर सकता है और बिहेवियर चेंज कर सकता है। ये सारे इसके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसे हर किसी में नहीं देखने को मिलता, लेकिन किसी किसी में देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल आपको तभी करना जब आपको इस तरह का जैसे कंडीशन है जिसमें आपको रोमेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, और जैसे कि आपका एलर्जिक कंडीशन है जिसमें अस्थमा वगैरह हुआ है, या जैसे कि आई डिसऑर्डर है जिसमें आपको आंख के बाजू में खुजली और आंख लाल हो जा रही। तब तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे इंकरेज मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ नए नए मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से। तो अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।